बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ऑसिलेटर की जिस टाइप की डिस्कशन हम करेंगे वो है क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जो हम साइनोसाइडल ऑसिलेटर की बहुत सारी टाइप्स हमने स्टडी की, जिसमें आरसी फीडबैक और एलसी फीडबैक सर्किट जो है वो हमने स्टडी किए, तो क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर जो है उसका यूनिक पॉइंट ये है कि इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक क्रिस्टल। वो क्रिस्टल किस मटेरियल की बनी हुई होती है? वो क्वार्ट्ज की बनी हुई होती है। क्वार्ट्ज यानी एक नेचुरल मटेरियल है जिसकी क्रिस्टल जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब क्वार्ट्ज की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो क्वार्ट्ज को इस काबिल बनाती है कि उसको ऑसिलेटर में जो है वो इस्तेमाल किया जा सके? तो क्वार्ट्ज जो है एक्चुअली में इसके अंदर एक ख़ास इफ़ेक्ट होता है जिसको पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है ये क्या चीज़ है? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि अगर आप क्वार्ट्ज की क्रिस्टल के ऊपर एक चेंजिंग मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो अप्लाई करें। अब ये जो चेंजिंग मैकेनिकल स्ट्रेस है इसका मतलब है कि आप जैसे वाइब्रेशन जो है उसके अंदर मैकेनिकल वाइब्रेशन पैदा करेंगे, तो वाइब्रेशन का मतलब आप जानते हैं कि उसमें कई दफ़ा जो है वो आप मीन पोजीशन से अवे जाएंगे, कभी मीन पोजीशन की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब है कि वो मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। तो इसका मतलब है जस्ट लाइक वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उस मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से एक एसी वोल्टेज जो है वो इस क्रिस्टल के अक्रॉस जो है वो क्या हो जाएगा? डिवेलप हो जाएगा। अब एसी वोल्टेज आप जानते हैं कि एसी वोल्टेज क्या होता है कि जो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता रहता है। यानी जैसे जैसे मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है वोल्टेज चेंज हो रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेस कम हो रहा है वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है चेंजिंग मैकेनिकल स्ट्रेस एक एसी वोल्टेज जो है वो उस क्वार्ट्ज की क्रिस्टल के अक्रॉस जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। अब अगर इसका कन्वर्स देखा जाए कि हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई ना करें, हम उस क्रिस्टल की दो साइड्स के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा दें, जैसे एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो हम इस तरह से दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगा दें और उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर खुद एक ख़ास फ्रिक्वेंसी का एसी वोल्टेज अप्लाई करें, तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स ये होगा कि आप खुद से जिस फ्रिक्वेंसी का एसी वोल्टेज जो है वो अप्लाई करेंगे, उतनी ही फ्रिक्वेंसी के साथ ये क्रिस्टल जो है वो क्या करने लग पड़ेगी? ऑसिलेट या वाइब्रेट करने लग पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि इसमें दोनों काम हो सकते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकता है और अप्लाइड इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की वजह से मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है वो इसमें पैदा की जा सकती हैं। अब क्वार्ट्ज जो है वो मटेरियल की जो है वो क्रिस्टल, अब होता ये है कि आप क्या करते हैं, क्वार्ट्ज मटेरियल की क्रिस्टल लेते हैं, उसको एक वेफर यानी बहुत ही बारीक कट जो है वो इसकी शक्ल में लगाते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो है फिक्स कर देते हैं। यानी ये जो सेंटर में ये जो शेडेड एरिया है ये असल में क्वार्ट्ज का बना हुआ एक वेफर है, बारीक सी जो है वो क्वार्ट्ज की एक क्रिस्टल है, और इसकी साइड पे ये जो दो टर्मिनल्स हमने अटैच कर दिए हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी एक को एनोड कह लें और एक को आप जो है वो कैथोड कह लें, एक क्वार्ट्ज की वेफर है। अब इसकी जो सिंबल है वो सिंबल ये है कि हम बिल्कुल दो पैरेलल लाइंस लगाते हैं, जस्ट लाइक कैपेसिटर का सिंबल है, उसके दरमियान में ये एक स्केयर शेप में जो है वो शेड कर देते हैं। तो ये जो सिंबल है इस ये क्रिस्टल का सिंबल है और इसको इस तरह से लिखा जाता है XTAL, यानी ये क्रिस्टल है। अब हमने तो इसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है वो देखना है, सर्किट में हमने देखना है कि अब क्रिस्टल को कैसे कट किया जाता है। यानी आप जो है वो उसका सिंगल एक्सिस रखते हैं, यानी ये क्या एक ही एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है या दो एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है या तीन एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है? तो पहली चीज़ कि ये जो क्वार्ट्ज की क्रिस्टल को आप कट करेंगे उसका एक्सिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको किस चीज़ के बारे में बताएगा? उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में। नंबर टू, उस क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जो शेप है, क्यूबिक शेप में आपने कट किया है, स्फेरिकल शेप में कट किया है, किस शेप में कट किया है, ये जो शेप है ये भी बताएगी कि कितनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो जो है वो ऑसिलेट कर सकता है। नंबर थ्री, उसकी जो डायमेंशंस हैं यानी उसका साइज़ आपने कितना रखा है,
वो जो उसकी डायमेंशन है वो भी क्या करेगा, उसकी ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी के बारे में हमें बताएगा। और नंबर फोर उसकी थिकनेस, कि आप कितनी थिकनेस जो है वो रखते हैं, ये भी हमें फ्रिक्वेंसी के बारे में बताएगा। अब ये जो फ्रिक्वेंसी होती है नॉर्मली ये थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है जितना आप जो है वो उसका उसको थिन करते जाएंगे तो उतना ही उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन आप बहुत ही बारीक भी नहीं कर सकते, जब आप इसको बहुत बारीक नहीं कर सकते तो आप फ्रिक्वेंसी को एक ख़ास लिमिट से बढ़ा भी नहीं सकते। तो नॉर्मली जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होती हैं वो 20 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आप जानते हैं, आपने इंटरमीडिएट में जो है वो पढ़ी हुई है ये स्टेशनरी वेव के बारे में। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर सकती है, ऑसिलेट कर सकती है, उसको उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। तो इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम 20 मेगाहर्ट्ज़ के राउंड अबाउट हो सकती है। अब आप जानते हैं कि जब आप फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो उस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो कुछ ओवरटोन्स का भी जिक्र किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करती है उसको उसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। लेकिन रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी किसी भी चीज़ की एक नहीं होती, कई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं, और जो मिनिमम या लोएस्ट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है उसको फंडामेंटल कहा जाता है, और बाकी जो उससे ज़्यादा जिनके ऊपर वो वाइब्रेट कर सकता है उसको ओवरटोन्स कहा जाता है। और आप जानते हैं कि इन हारमोनिक्स का पूरा की पूरी एक सीरीज़ होती है जिसको हारमोनिक सीरीज़ FN, N का मतलब है nth हारमोनिक इज इक्वल टू NF1। अब N का मतलब क्या हो सकता है, N का मतलब 1, 2, 3, 4 सो ऑन। और F1 क्या चीज़ है, F1 वो लोएस्ट या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है जो उस पर्टिकुलर मटेरियल की वाइब्रेशन की लोएस्ट फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। इसका मतलब है अगर ये 20 मेगाहर्ट्ज़ पे क्रिस्टल ऑसिलेट कर सकती है तो चांस ये भी है कि वो 40 मेगाहर्ट्ज़ पे भी ऑसिलेट करेगी, 60 पे भी उसको ऑसिलेट करवाया जा सकता है, 80 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर भी उसको ऑसिलेट करवाया जा सकता है। ज़्यादातर क्रिस्टल में ये होता है कि ज़्यादातर क्रिस्टल में, मैं ये चीज़ को जनरलाइज नहीं कर रहा, जस्ट ये बता रहा हूँ, ज़्यादातर क्रिस्टल के अंदर ओड हारमोनिक्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, यानी एन की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7, यानी ओड हारमोनिक्स F1, 3F1, 5F1, 7F1 एंड सो ऑन जो है वो ये मौजूद होंगे उसके अंदर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जिक्र किया कि हमने जो क्रिस्टल है उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर देखना है। तो आप जानते हैं हमने ट्रांजिस्टर देखा, डायोड देखा, उससे पहले हमने हर जो सर्किट था या हर डिवाइस था उसका एक मॉडल बनाया। मॉडल ये बनाया कि वो कैसे बिहेव करता है इन टर्म्स ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो क्रिस्टल का जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि एक क्रिस्टल जो है ना वो एक सीरीज़ और पैरेलल, यानी इसके अंदर सीरीज में भी LC सर्किट जो है वो मौजूद होता है और पैरेलल में भी LC सर्किट मौजूद होता है। यानी ये अब मैं यहाँ पर इसका मॉडल बना रहा हूँ। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके दरमियान ये क्रिस्टल मौजूद है, आप ये समझें कि इस बॉक्स के अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर हमें जो सर्किट बंद मिला हुआ है उसके अंदर क्या मौजूद है, एक इंडक्टर, उसके साथ सीरीज़ में एक कैपेसिटर और सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस, और इस सब के पैरेलल में एक कैपेसिटेंस जिसको मैंने CP का नाम जो है वो दे दिया। अब सीरीज़ रेजोनेंस उस वक्त होती है जब ये जो सीरीज़ में लगा हुआ इंडक्टर और सीरीज़ में लगा हुआ कैपेसिटर, इन दोनों की रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि इस सर्किट के अंदर कौन सी रेजोनेंस हो, सीरीज़ रेजोनेंस हो, तो उस वक्त इस इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है और इस कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है ये आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और जब ये इक्वल होंगी तो उस वक्त सीरीज़ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1/2πLSCS। और दूसरी चीज़ है पैरेलल रेजोनेंस। तो पैरेलल रेजोनेंस का क्या मतलब है कि इस वक्त ये जो LS है, यानी ये जो इंडक्टेंस है इस क्रिस्टल की, और ये जो इसके पैरेलल में लगी हुई कैपेसिटेंस है, इन दोनों की रिएक्टेंस आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी उस वक्त आप कहेंगे XLS is equal to XCP,
यानी इस इंडक्टर की कैपेसिटेंस इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाएंगे और इस वक्त जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी वो कहलाएगी 1/2πLSc. तो ये आपके पास जो है वो दो तरह की रेजोनेंस। नॉर्मली जो पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है वो सीरीज़ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी आप ये देखते हैं FP इज़ जनरली ग्रेटर देन FS। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो फार्मूला देखें, फार्मूले में डिफरेंट क्या चीज़ है, यहाँ पर भी LS है, यहाँ पर भी LS है, 2π एज इट इज़ है, यहाँ पर आप सीरीज़ कैपेसिटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर आप पैरेलल कैपेसिटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पैरेलल कैपेसिटेंस थोड़ी सी जो है वो क्या होती है, कम होती है, इसलिए जो पैरेलल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इन दोनों के दरमियान यानी कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता, आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 kHz यानी 1000 Hz का मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है। अब इस क्रिस्टल को सर्किट में कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने दो सर्किट बनाए हैं, एक सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट। अब देखें ये सर्किट वही है जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, यानी जिसमें R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर बाइस है बेस एमिटर को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए, R3 कलेक्टर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, R4 एमिटर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये बाईपास कैपेसिटेंस C1 है। ये आउटपुट पे कपलिंग कैपेसिटर है जो आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, यानी अगर यहाँ पर कोई DC वोल्टेज है तो उसको ब्लॉक कर लेगा ये कैपेसिटर। अब ये फीडबैक, अब फीडबैक में देखें एक कैपेसिटर और एक क्रिस्टल आपने लगाया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि ये कैपेसिटर लगाने का क्या मकसद है, कैपेसिटर लगाने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें इस क्रिस्टल की जो सीरीज़ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, ये जो FS है, इसकी वैल्यू है 20 MHz। आप चाहते हैं कि ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, यानी 20.5 हो जाए या 20.6 हो जाए, 21 MHz हो जाए, कुछ भी। तो इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या इस इंडक्टेंस को कम करें या इस कैपेसिटेंस को कम करें। लेकिन ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तो बिल्ट इन है, ये तो जब आपको क्रिस्टल काट दी तो उस वक्त उसकी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस फिक्स कर दी आपने इन तमाम चीज़ों की मदद से। तो अब आप कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं कि इसकी इंटरनल कैपेसिटेंस को तो चेंज नहीं कर सकते, आप एक्सटर्नली एक और कैपेसिटर इसके साथ लगा देते हैं सीरीज़ में, और आप जानते हैं कि सीरीज़ में हमेशा कैपेसिटेंस कम होती है, तो उस वक्त कैपेसिटेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी और ये फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसके लिए इस कैपेसिटर को, ये जो CC है, इस कैपेसिटर को कहा जाता है ट्यूनिंग कैपेसिटर। ट्यूनिंग का मतलब ये होता है कि फ्रिक्वेंसी को अपने डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी के करीब ले जाना या उसके बराबर जो है वो कर लेना, तो इसलिए इसको कहा जाता है ट्यूनिंग। लेकिन ये फ्रिक्वेंसी को इतना ज़्यादा चेंज नहीं करता, इसलिए इसको कहा जाता है फाइन ट्यूनिंग, यानी ये बहुत ही कम ट्यून करता है। फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा चेंज करने की उम्मीद ना रखें कि ये 20 MHz को बढ़ा के 40 कर देगा या 30 कर देगा, तो चंद किलो हर्ट्ज़ का, चंद जो है वो किलो हर्ट्ज़ का डिफरेंस जो है वो उसमें पैदा कर लेगा। तो ये आपके पास जो है वो सीरीज़ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, यानी ये वाला जो फार्मूला है ना F इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 1/2πLS। ये जो CS है, अब CS नहीं रहेगा, अब ये समझे CS और ये जो CC है इन दोनों को सीरीज़ में लगा दिया जाएगा, उसको मैं CT कह देता हूँ, यानी CC और ये जो CS है इन दोनों का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, CS का और CC का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसको हमने नाम दे दिया है CT का। तो वो अब यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात, आपने पढ़ा कॉलपिट्स ऑसिलेटर, उसमें हमने यहाँ पर इंडक्टर लगाया था, फिर ये C1 लगाया था, C2 लगाया था। अब इंडक्टर की बजाय हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्रिस्टल लगा दिया। अब देखें क्रिस्टल और उसके साथ C1 C2 आपने जो है वो अटैच कर दिया, तो ये अब आपने फीडबैक में एक बज़ाहिर आप देखें तो एक पैरेलल सर्किट आपको दिखाई दे रहा है। वैसे C1 C2 तो आपस में सीरीज़ में है, लेकिन C1 C2 का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो इस क्रिस्टल के साथ जो है वो पैरेलल में है, तो यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस जो है वो काम करेगी। पैरेलल रेजोनेंस में आपने फार्मूला क्या लगाया है, 1/2πLScP, CP का मतलब था ये पैरेलल कैपेसिटेंस। अब इस पैरेलल कैपेसिटेंस के पैरेलल में एक और कैपेसिटेंस आ गई है जो C1 और C2 का सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, C1 और C2 का सीरीज़ कॉम्बिनेशन मालूम करना पड़ेगा, वो इस तरह से मालूम किया जाएगा। अब जो फ्रिक्वेंसी है उसका फार्मूला यूँ मॉडिफाई हो जाएगा, 1/2πLS। ये अब ये जो CP है
और सी डैश है, इन दोनों को आप पैरेलल में सॉल्व कर लें। पैरेलल में कैपेसिटेंस हमेशा ऐड होती है, तो इसका मतलब है इसकी जो इंटरनल पैरेलल कैपेसिटेंस है जिसको आपने नाम दिया हुआ सी पी का, और ये जो आपने एक्सटर्नल कैपेसिटेंस है सी वन और सी टू है जिसको आपने सी डैश का नाम दे दिया, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में कैपेसिटेंस हमेशा ऐड होती है, तो कैपेसिटेंस अगर ऐड होगी तो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी कैपेसिटेंस, फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किट भी एक फाइन ट्यूनिंग सर्किट है, ये भी एक फाइन ट्यूनिंग सर्किट है। करता क्या है कि ये जो सीरीज़ में कैपेसिटर लगाया यहाँ पर आपने, ये इस क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी से थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है, और यहाँ पर आपने जो पैरेलल में सी वन सी टू लगाए हैं ये क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी को उसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर्स को यूज़ करके सीरीज़ या पैरेलल में क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप चाहें क्रिस्टल 20 मेगाहर्ट्ज़ की, आप चाहते हैं कि नहीं 20 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑसिलेट ना करे, ये 40 पे करे, तो आपको इन कैपेसिटर्स की वैल्यू को जो है वो सफिशेंटली चेंज करना पड़ेगा ताकि ये 20 मेगाहर्ट्ज़ के बजाय 40 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर जो है वो ऑसिलेट करे। लेकिन जितना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे आप ऑसिलेट करवाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा थर्मल नॉइज़ जो है वो जनरेट होगा, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ने से, फ्रिक्वेंसी बढ़ने से जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा डिसिपेट होती है, तो एक थर्मल नॉइज़ जो है वो जनरेट ज़रूर होगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी पे इसलिए जो है वो क्रिस्टल को ऑसिलेट नहीं करवाया जाता, जो उसकी फंडामेंटल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर रेजोनेट करवाया जाता है, लेकिन करवाया जा सकता है, ठीक है, अगर आप जो है वो उस सर्किट को कंट्रोल कर लें, यानी उसकी जो एम्बिएंट कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, आप उनको कंट्रोल करके उनकी मदद से जो है वो क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर, तो ये सबसे बेस्ट ऑसिलेटर है। यानी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है जो आप कैलकुलेट कर लेंगे इन फार्मूलाज के मुताबिक वही आएगी। उसकी रीज़न ये है कि कल हमने जिक्र किया था क्वालिटी फैक्टर का, तो ये जो क्रिस्टल्स होती हैं इनका जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और किस रेंज में होता है, सेवरल थाउजेंड, यानी कई कई हज़ार जो है वो इसका क्वालिटी फैक्टर होता है। तो क्वालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि ये एग्जैक्ट जो इनकी गिवन फ्रिक्वेंसी होती है उसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।